কংগ্রেস মুক্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল গড়ার ডাক দিয়েছিল বিজেপি। ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে এবারে উল্টো বিজেপিকে মুছে দেবার হুঙ্কার দিলেন প্রদ্যোত। শনিবারই তিনি রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর প্রথম রাজ্যে আসেন। বিকেলে কংগ্রেস ভবনে করেন সাংবাদিক সম্মেলন। সেখানে তিনি বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ ফিরে আসছেন কংগ্রেসে। এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিজেপি নিজেদের বাজেট না বুঝেই রাজ্যের মানুষের কাছে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এখন সেসব প্রতিশ্রুতি আর রাখতে পারছে না। এদিন প্রদ্যোৎকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ত্রিপুরায় থেকে রাজনীতি করবেন কিনা। জবাবে প্রদ্যোৎ এদিন বলেন, কংগ্রেস সভাপতির পদ কোনো সামান্য বিষয় নয়, তিনি এখানে পূর্ণ সময়ের জন্য থেকেই রাজনীতি করবেন বলে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে মাধববাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনার জন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। বলেন, আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছিল দুষ্কৃতকারীরা সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল, আজ বলছেন পুলিশের একটা অংশ যুক্ত। एक्सेसेस के लिए, लेकिन यही सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था माधवबारी के इंसिडेंट के बाद और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिसने ये किया ये एंटी नेशनल ने एंटी सोशल ने साथ में विप्लव जी के संग एनसीडी वर्मा की बेटे ने कुछ कहा नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने एलिगेशन दिया था कि जो प्रॉब्लम हुआ उसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये किया था। आज असेंबली में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि गलती पुलिस से भी हुई है, एक्सेसिस पुलिस से भी हुई है और डॉक्टर का भी नाम आया है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे, या फिर वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे थे या फिर आज झूठ बोल रहे हैं। अगर आज वो कह रहे हैं कि गलती पुलिस से हुई थी तो उनको माफी मांगना चाहिए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस समय और उन्होंने एलिगेशन दिए थे कि जिसने ये किया है वो एंटी नेशनल है, या फिर वो उस समय गलत बोल रहे थे या इस समय गलत बोल रहे हैं, उनको अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए। और दूसरा बात है कि होम मिनिस्टर कौन है आपका, होम का डिपार्टमेंट आपने एसडीपीओ को नाम दिया है, एसपी कौन है? आप अगर एक गलती हुई है, एक्सेसेस हुई है, तो आपको हाई अथॉरिटी को पकड़ना चाहिए, ना कि एक किसी को बलि का बकरा बनाकर आप दे दे। और लास्ट में मैं फिर से बोलूंगा कि उन्होंने ये 12 तारीख को शायद 12 जुलाई को उन्होंने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ये मे बी 11 को किया था, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्यों बोला था कि जिसने ये प्रोटेस्ट किया है वो एंटी नेशनल है और वो क्रिमिनल्स है, आउटलॉस, क्यों उन्होंने कहा था और आज वो क्यों बोल रहे हैं कि गलती पुलिस से ही हुई है। प्योर रिपोर्ट, चैनल दिन रात।